हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं क्रशिंग टेक्नोलॉजी के सीरीज में जा क्रशर के बारे में। जा क्रशर सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोमेस्टिक क्रशिंग इक्विपमेंट है। आप देखते होंगे जा क्रशर का यूज लाइमस्टोन एप्लीकेशन क्रशिंग के लिए होता है, जितने भी हार्ड रॉक है उसके लिए भी यूज होता है, कोल एप्लीकेशन के लिए भी होता है और आयरन ओर के लिए भी होता है, और सीमेंट ग्राइंडिंग सेक्टर में जो छोटे छोटे जितने भी ग्राइंडिंग यूनिट है वहां पर प्राइमरी ग्राइंडिंग के लिए जा क्रशर का यूज होता है। जा क्रशर के बाद का जो आउटपुट है -50 mm, -20 mm, वो फिर जाता है बाल मिल में एज पर द रिक्वायरमेंट। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? जा क्रशर बहुत ही सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। वहां पर क्या होता है कि एक फ्लाई व्हील होता है और फ्लाई व्हील को रोटेट करता है एक मोटर थ्रू वी बेल्ट। वी बेल्ट को जर्क एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है और पावर ट्रांसमिशन जो रेट है वो सबसे ज्यादा होता है वी बेल्ट में, और अगर वी बेल्ट टूटते भी हैं उसका रिप्लेसमेंट भी सबसे इजी होता है। जस्ट आप वी बेल्ट स्पेयर में रखें, जब भी अगर सडन कुछ जर्क लोड ज्यादा आ गया, वी बेल्ट ब्रेक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप वी बेल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फ्लाई व्हील एनर्जी एब्जॉर्बर, फ्लाई व्हील एनर्जी एब्जॉर्बर के साथ में वो कनेक्ट रहता है शाफ्ट के थ्रू मूवेबल जा। जा क्रशर में क्या है कि दोस्त, एक है अपना फिक्स जा, वो सर्टेन डिग्री पे उसको फिक्स कर दिया गया, और एक है मूवेबल जा, ऑक्सिलेटिंग जा भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा फिक्स जा और ये है मूवेबल जा, ऑक्सिलेटिंग जा। तो यहां पर क्या है कि जो ऑक्सिलेटिंग जा है ये शाफ्ट के थ्रू फ्लाईव्हील शाफ्ट माउंटिंग के साथ में मोटर के द्वारा वी बेल्ट से ड्रिवन करके चलता रहता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमने आपको बताया जो रिडक्शन प्रिंसिपल है, इसके पहले हमने देखा जो इंपैक्ट क्रशर है वो कंप्रेशन प्लस एट्रिजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी आयरन ओर मटेरियल को ब्रेक करता है या लाइमस्टोन हार्ड रॉक इसको ब्रेक करता है, उसके क्रशिंग करता है। वही जो कोन क्रशर है वो टोटल कंप्रेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और वही बात करते हैं जा क्रशर का, तो जा क्रशर में एट्रिजन प्लस कंप्रेशन। एट्रिजन क्यों? ये मूवेबल जा और फिक्स जा के बीच में जब मटेरियल इन करेगा तो मटेरियल धीरे 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 डाउन होता चला जाता है, और मूवेबल जा इस डायरेक्शन में चलता रहता है, तो जो भी बड़े पार्टिकल है वो टूटता रहता है, कंप्रेशन के द्वारा टूटता हुआ बॉटम में चला जाता है, और साथ साथ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो मटेरियल बॉटम में आता है वो एट्रिजन के द्वारा आयरन में वहां भी घर्षण क्रिएट होता है, वहां भी क्रशिंग होती है। तो जो जा क्रशर है एट्रिजन प्लस कंप्रेशन थ्योरी पे टोटल बेस्ड होता है। जा क्रशर का और भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसका ओवरलोड सेफ्टी डिवाइस। जा क्रशर में जो फिक्स जा है, ये फिक्स जा है, इसको गैप मेंटेन करने के लिए, इसका पोजीशन मेंटेन करने के लिए पीछे में एक ड्रॉबैक स्प्रिंग सिस्टम लगा रहता है। वो अगर किसी भी कीमत पे जो फिक्स जा है अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है तो ऑटोमेटिक फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। वो थोड़ा सा स्प्रिंग क्या जर्क एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी उसमें रहती है, प्लस इसमें लगा रहता है टोंगल प्लेट। अगर टोंगल प्लेट उस समय वर्क करेगा कि अगर जा क्रशर के बीच में कोई भी आयरन पीसेस फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो उस समय तो अगर बॉटम में जो गैप मेंटेन है, जो गैप है दोनों जा के बीच में जो गैप है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आउटपुट साइड चाहिए। मान लीजिए वो लाइमस्टोन एप्लीकेशन के लिए है, वो प्राइमरी क्रशर के लिए यूज हो रहा है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक जा क्रशर का, आप वीडियो भी देख रहे होंगे, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इनपुट साइज है मटेरियल का वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक का बड़े बड़े रॉक होते हैं, वो इनलेट पे आया जा क्रशर के, और बॉटम में उसका जो गैप है मेंटेन किया गया है वो ओनली 150 mm है। मतलब 1.5 mm के रॉक को ब्रेक करके 150 mm तक लेके आया। अगर वही क्लिंकर एप्लीकेशन के लिए मैं देखा हूं कि जो छोटे साइज के
जाकर सर यूज होते हैं। फीड साइज हम 50 mm 60-70 mm का लिया जाता है और जो गैप है वो मेंटेन किया ओनली 15 mm, तो जो आउटपुट साइज आएगा वो 15 mm से बिलो आएगा, 15 mm से बड़ा नहीं होगा। तो एक गैप मेंटेन किया जाता है कि वो साइज कितना है, आप आउटपुट साइज कितना लेना चाह रहे हैं, तो 10 mm है, 20 mm है, 30 mm है कि 150 mm है। तो प्राइमरी क्रशिंग के लिए, लाइमस्टोन के लिए 150, फिर जो जा क्रशर का आउटपुट है 150 साइज का, उसको हम फिर से हैमर क्रशर में भेज दिया जाता है। तो हैमर क्रशर में क्या है, 150 साइज का रिडक्शन रेशियो के हिसाब से फिर वो अगेन रिकमेंडेड 40 mm 50 mm साइज का आपको लाइमस्टोन मटेरियल मिलता है। तो प्राइमरी क्रशिंग और सेकेंडरी क्रशिंग के लिए अगर यूज किया जाएगा तो ऐसा उसका जो बॉटम गैप है वो मेंटेन किया जाएगा, और वही जो एंगल होता है दोनों जा के बीच में वो करेक्ट 20 से 30 एंगल मेंटेन किया जाता है। तो 20 से 30 एंगल मेंटेन रहेगा तो आराम से मटेरियल क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एंट्रीजन जो थ्योरी है वो होता हुआ, उस पर कंप्रेशन फोर्स लगता हुआ मटेरियल ब्रेक होके बॉटम में आता है। तो ये था मोटा मोटा वर्किंग प्लेस पर, लेकिन हमने बात कर रहे थे टोंगल प्लेट का। टोंगल प्लेट जो भी आयरन पीसेस आते हैं एक सर्टेन प्रेशर पे सेट रहता है, जो टोंगल प्लेट है वो बोल्टिंग टाइप का रहेगा कि अगर 200 बार का प्रेशर अगर उस पर जनरेट होगा तो इमीडिएट टोंगल प्लेट ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फिक्स जा और रोटेटिंग जा, मूवेबल जा, वो गैप मेंटेन हो जाएगा, जो आयरन पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे जो मेजर ब्रेकडाउन है, शाफ्ट बेंड ना हो जाए, बेयरिंग डैमेज ना हो जाए, तो वो बच जाता है। फिर से आप टोंगल प्लेट स्पेयर में आता है, टोंगल प्लेट को आप रिप्लेस कर दीजिए। कहीं कहीं मैं देखा हूं कि जो टोंगल प्लेट है इसको रिप्लेस कर दिया गया, जो ओवरलोड सेफ्टी डिवाइस है उसके जगह में हाइड्रोलिक ऑपरेटेड सेफ्टी डिवाइस लगाया गया। तो वहां पर क्या है कि चेक वाल्व लगा दिया गया है, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा दिया गया कि जैसे ही 150 बार का प्रेशर डेवलप होता है, क्रशिंग के लिए करीब 50 बार का प्रेशर सफिशियंट है, लेकिन उसमें अगर हॉट ड्रॉप वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, प्लस आयरन पीसेज आ गए, फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो उस कंडीशन में क्या सडन पिक 150-200 बार का प्रेशर अगर दोनों के बीच में जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही चेक वाल्व ओपन हो जाएगा और जो फिक्स जा है वो पीछे से बैकवर्ड साइज में आ जाएगा, तो वहां पर गैप मेंटेन हो जाएगा, आयरन पीसेस बॉटम में चला गया, जिससे कि फिर वो शाफ्ट बेयरिंग जो कॉस्टली है, टाइम टेकिंग जॉब है रिप्लेसमेंट, वो सेफ हो जाता है। तो ये था ओवरलोड सेफ्टी डिवाइस। जाकर सर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि जो जा है इसके बीच में लगा रहता है रिवर्सिबल लाइनर, दोनों के बीच में रिवर्सिबल लाइनर है, उसको क्या है कि आप 180 डिग्री घुमा भी सकते हो, प्लस आगे पीछे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप फ्रंट पोर्शन को ऊपर भी कर सकते हो और प्लस 180 डिग्री घुमा के भी प्लेट लगा सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है कि वो रिवर्सिबल लाइनर इसमें लगे रहते हैं। दोनों फिक्स जा, मूवेबल जा, दोनों में रिवर्सिबल लाइनर लगे रहते हैं। ये मैग्नीज स्टील IS-276 ग्रेड 2 और कहीं कहीं 1 का भी मैं देखा हूं, 1 का लगा रहता है, करीब करीब जो थिकनेस होता है 150 mm, 100 mm, 50 mm, वो डिपेंड करता है कि कितने साइज का जाकर सर आप यूज कर रहे हैं। जो रिवर्सिबल लाइनर है उसका जो प्रोफाइल है वो भी आपका जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि वो जो मटेरियल है वो सेमी हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं, सेमी हार्ड है, तो उस समय आप रिप्ड लाइनर का यूज कर सकते हैं, वहां पर रिप्ड लाइनर लगा रहता है। और वही अगर मटेरियल हार्ड है तो उस समय कोरिगेटेड लाइनर का यूज होता है। और एक होता है शार्प लाइनर, शार्प लाइनर वहां यूज होता है जहां पर जो हार्ड रॉक है वो वेरी हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, उस कंडीशन में शार्प लाइनर का यूज होता है, वो आसानी से बड़े बड़े रॉक को आसानी से ब्रेक कर देता है। तो ये था रिवर्सिबल लाइनर जो जा क्रशर में यूज होता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी जा क्रशर के बारे में। जा क्रशर का एप्लीकेशन बहुत ही है, लाइम स्टोन एप्लीकेशन के लिए, कोल एप्लीकेशन के लिए, क्लिंकर एप्लीकेशन के लिए, आयरन ओर के लिए, इन सभी के लिए साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो रिडक्शन रेशियो है 1:4 माना जाता है कि इसका रिडक्शन रेशियो 1:4 रहता है। कहीं कहीं पूछा जाता है कि वो आरपीएम फ्लाई व्हील का आरपीएम कितना रहता है, तो वो डिपेंड करता है 250 से लेके 350 आरपीएम तक फ्लाई व्हील का रहता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा कैपेसिटी क्या है जाकर सर का।
दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।